मिस्र के सिनाई में अल राबदा मस्जिद में जो हमला हुआ उसमें अब तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। कल अल राबदा मस्जिद में बम धमाका हुआ, अंधाधुंध फायरिंग जिसमें 235 लोगों की जान चली गई। हमले के बाद मिस्र में 3 दिनों का शोक घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति अब्देल फतह अल लीली ने सुरक्षा से जुड़े मंत्रियों के साथ अहम बैठक भी की। भारत ने आतंकी हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारे गए बेगुनाह लोगों के प्रति संवेदना जताई। खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मिस्र के विदेश मंत्री से बात की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी आतंकी हमले को कायराना बताया है। कहा है कि दुनिया को चरमपंथी विचारधारा का विरोध करना चाहिए।